हीरानगर विधानसभा का मुकाबला अब दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी जीत मानकर चल रही है, वहीं अति उत्साह में भी दिख रही है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राकेश चौधरी को मिलता हुआ जन समर्थन यह बता रहा है कि मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। राकेश चौधरी भी यह बात कह रहे हैं कि उनको भी यकीन नहीं हो रहा है कि लोग उनको इतना प्यार और समर्थन देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने टिकट की अनाउंसमेंट करने से देरी की, जिससे प्रचार प्रसार में देरी हुई। हालांकि अब देखा जाए तो मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यह तो समय ही बताएगा कि सपा जनता का दिल और वोट जीतने में कामयाब हुआ या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि लोगों में हम पहले भी रहते थे, लोगों में पहले भी जाते थे, लेकिन जो रिस्पांस जो लोगों ने मान सम्मान दिया है, जब हम डोर टू डोर लोगों में जा रहे थे, मेरी माताएं हमें ऐसे मिल रही थी जैसे मैं उनका ही बेटा हूं। इतना प्यार दिया मेरी माताओं ने, मेरे बुजुर्गों ने, और मेरे साथी इतने नारे लगवा रहे थे और घर घर में जाके हमने आशीर्वाद लिया। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और हम इन्हीं के सहारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, पूजनीय हैं, माता हमारी हैं, इन्हीं के सहारे हम इलेक्शन लड़ेंगे। और हमें यकीन है कि माताएं और बुजुर्ग हमें इलेक्शन जिताएंगे और ढेर सारे वोट जो है हमें दिलवाएंगे। अहम मुद्दे क्या रहेंगे आपका इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, इतने मुद्दे हैं कि मैं पूरा दिन भी सुनाता रहूँगा कम नहीं होगा। बॉर्डर पे क्या हालत है सभी जानते हैं। कंडी में आज भी पानी नहीं है, 5 दिन के बाद पानी आता है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो 24 घंटे मुंह पे रहता है, मुंह पे 24 घंटे कुछ मुद्दे होते हैं, उनके लिए सोचना पड़ता है क्या है 24 घंटे, वो क्या है? रोजगार। हमारे घर खत्म हो रहे हैं, टोटली घर खत्म हो गए। जो हमारे बुजुर्गों ने मकान बनाए वो खंडर हो गए। आगे बेटे को नौकरी ही नहीं मिली, बेटे को पढ़ाया उस बुजुर्ग ने पढ़ाया जो रेडी फड़ी जिम्मेदारी करता था, एग्रीकल्चर का, मंडी में बोरी उठाता था। उसने अपने बच्चे को मेहनत हक लाल की कमाई से उस बच्चे को पढ़ाई करके उसको ट्रेनिंग भी करवाई और वो आस में बैठा है कि मेरे बच्चे को नौकरी लगेगी। आस में बैठा है कि आज नौकरी मेरे बच्चे को मिले तो मेरी भी उम्र जो है वो 10 साल बढ़ जाए, मेरा भी जो कमर है वो सीधी हो जाए। लेकिन नौकरी नहीं आ रही, बच्चे को पढ़ाई तो कर दी, माता पिता का जो फर्ज था उसने पूरा किया, लेकिन जो फर्ज सरकार का था वो पूरा नहीं हो सका। उस फर्ज को पूरा करने के लिए हम उतरे हैं, ये फर्ज हम पूरा करेंगे। हम जब लोग हमें विधानसभा पे भेजेंगे, हम उस हर नौजवान के साथ खड़े हैं जिस नौजवान को ना तो नौकरी मिल रही है और आज उनकी एज, पहले तो नौकरी में ओवर एज हुए, आज उनकी एज 30 साल हो गई है। उनकी शादी के लिए भी उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि जिसने भी अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी करनी हो तो ये तो पूछेगा कि बेटा क्या करता है, तो माता पिता यही कहेंगे कि हमारे बेटे ने पढ़ाई बहुत की है लेकिन नौकरी नहीं, नौकरी वो ढूंढ रहा है। पता नहीं सरकारों ने नौकरी क्यों बंद कर दी है। आज जो हमारी 1 साल में 3 भर्तियां होती थी वो भी बंद है। जो रिलेशन में भर्ती थी एक्समैन की, जबलपुर, फैजाबाद, श्रीनगर, वो भी बंद है। और ऊपर से हमारे यूथ को क्या दे दिया? अग्निवीर दे दिया। हमारे बच्चों ने क्या किया? एक अच्छा काम किया हमारे लिए, थोड़ा हमें लगा कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों ने 10+2 में नॉन मेडिकल, मेडिकल में 80% से ज्यादा नंबर लिए, लेकिन बच्चों ने क्या किया? वीजा लगाया, पासपोर्ट बना के वो बाहर चले गए काम करने के लिए। हमने उनको कहा हर गांव से 10 बच्चे, आप नोट करना, हर गांव से 8-10 बच्चे अपने माता पिता को, बहन भाइयों को छोड़कर काम करने के लिए दूसरी कंट्री में चले गए। उनका मन भी था कि हम माता पिता के पास रहकर नौकरी करें, रोजगार लें, लेकिन नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बाकी बहुत ऐसे छोटे मुद्दे बहुत हैं। आज बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बन रहा, 13 साल एज होगी बच्चे की, शादी हुए 12-12 साल, 8-8 साल के बच्चे भी हो गए, राशन कार्ड नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? आईडी बंद है। आईडी किसने बंद रखी है? लोगों ने थोड़े बंद की हुई है, लोगों ने की है बंद। आईडी किसके पास है, क्यों बंद की है, ये सारी समझ है।
बेसिकली ये सरकारें करना नहीं चाहती, बेसिकली ये करना नहीं चाहती कि हमारे लोगों को अच्छे जो दिन कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन आए नहीं। अगर लोगों के अच्छे दिन आए होते तो आए लोग बड़े खुश होते, आए लोगों के चेहरे पे रौनक होती। मैं इतना ही कहूंगा। वोटरों से क्या अपील करना चाहोगे इस समय? वोटरों से हमारी यही अपील है, खासकर हमारा जो जंग जूथ है, मेरी माताएं बहनें, मेरी बुजुर्ग हैं, मैं यही कहूंगा कि मैं काम करने के लिए आया हूं। मैं आगे जाऊंगा तो आपके लिए जाऊंगा और आपके लिए लड़ूंगा। आपके लिए मैं हर उस मुश्किल के लिए लड़ूंगा, हर उस तकलीफ के लिए लड़ूंगा जो आपको घर में हो रही है। वो पता उसी को है जो घर घर में गया है। जो घर घर में नहीं गया है उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता कि तकलीफ कितनी हो रही है। जो उनको तकलीफ हो रही है वो तकलीफ मैं दूर करूंगा, हर उस बॉर्डर वाले की भी, हर उस कंडी वाले की भी, हर उस भाई बहन की भी जिसको आज भी पढ़ाई के लिए लाने पड़े हुए, आज भी उसके पास कच्चा मकान है, आज भी उसका बेटा एक्सीडेंट से खत्म हो रहा है लेकिन उसका पैसा नहीं है। वो सारी जरूरतें जो उनकी हैं वो ये बंदा पूरियां करेगा। लोग हमें बना के भेजेंगे, हम वहां जाके लड़ेंगे और अपने हीरानगर के लिए तसल्ली हीरानगर के लिए वहां जाके लड़ाई लड़ेंगे, हीरानगर को हीरा बनाएंगे, हीरा जो आज तक हिरने को कुछ नहीं मिला हम दिलवाएंगे। शुक्रिया। बादशाह का मैनिफेस्टो निकल चुका है, कई सारे वादे किए गए हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए भाई, बात ये है, भाजपा का मैनिफेस्टो है वो भाजपा देखे, भाजपा क्या कर रही है वो लोगों को पता है। भाजपा आज ये कह रही है कि हम ये करेंगे वो ये, उनका ये कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो ऑलरेडी सरकार में है, ऑलरेडी उनके सेंटर में सरकार है। वो ये कहें कि हम ये देंगे ना, वो कहें हमने ये दिया था तो आप हमें वोट दो, अगर हमने कुछ दिया है तो आप हमें वोट देना, अगर कुछ नहीं दिया है तो नहीं देना, ऐसे कहें ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम देंगे, गलत बात है। पांच मरला के प्लाट भी कहे गए हैं जो गरीब हैं उनको दिए जाएंगे। पांच मरले का प्लाट अगर देते तो वो बंकर नहीं बनाते, ऐसे बंकर बनाए हैं जिसमें आप आज भी आरटीए लगा के देख लो, बंकरों में आज भी पानी भरा हुआ है, आज भी सांप है। जब गोली चलेगी तो बंदा बंकर में कैसे जाएगा? ये सारी दुनिया जानती है, सारी जनता जानती है कि पांच मरले का प्लाट उन्होंने नहीं दिया लेकिन हमारी सरकार देगी। मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार देगी, हम दावे के साथ वहां जाके लेंगे और लड़ेंगे। मैंने एक ही बात कह दी कि मैं अपनी जनता के लिए लड़ूंगा, मेरी जनता के लिए चाहे छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, उसके लिए मैं लड़ाई भी लड़ूंगा। मैं जाके विधानसभा में बुरी बात रखूंगा, चाहे मेरी सरकार होगी मैं उससे भी लड़ूंगा कि मेरे लोगों को जेल चाहिए, मेरे लोगों को जेल चाहते हैं, मेरे लोगों को नौकरी चाहिए, मेरे लोगों को रोजगार चाहिए। वो सब लड़ाई जो है वो हम लड़ी जाएगी।